Everyone, welcome to Santhal Bharat Foundation YouTube channel. This is me, Nidhi Gupta, your English coach. आज हम लोग एक बहुत ही important chapter cover करने वाले हैं, the thief story. Exam point of view से अगर मैं बात करूँ तो एक value based question इसमें से exam में आता ही आता है, और अगर value based long question नहीं आया तो short तो पक्का ही है. तो ये एक ऐसा chapter है जिसमें से आपको number मिलने हैं exam में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. Value based questions मैं इसके कराऊंगी. Question answer के session में आज हम लोग इस chapter को line by line समझने वाले हैं, पूरी story समझ लेंगे. थीम क्या है, मैसेज क्या है इस स्टोरी से हमें मिल रहा है वो समझ लेंगे. बीच बीच में से आपको समझाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं, कैसे कैसे आंसर लिख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर से जिसे आरटीसी बदल सकते हैं. आरटीसी समझते हो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन दिए गए हैं जिनको एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे सकता है और उससे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन पूछ सकता है. मतलब कि लिख लो ये लाइन मेरी कि आएगा जरूर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड, या तो लॉन्ग क्वेश्चन, या तो आरटीसी, या तो शॉर्ट क्वेश्चन. उसमें भी क्या होता है ना, आपको पता है बहुत सारे सेट आते हैं एग्जाम में, एक सेट नहीं आता, बहुत सारे आते हैं. तो किसी ना किसी सेट पर ये जरूर से जरूर फॉल करेगा क्वेश्चन ये वाले चैप्टर में से, ठीक है. तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, आपको पता ही है ऑलरेडी. अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, लास्ट तक देख लेना. लास्ट में इससे मैसेज क्या मिला, थीम क्या मिला, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपने इससे लर्न किए, उनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी. पहले करेंगे इस चैप्टर को कवर, ठीक है. क्या बात है भाई, द थीफ स्टोरी की है. राइटर कौन है इसके भाई, बहुत ही फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड. इनको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इनको जानता है क्योंकि इनकी कई सारी स्टोरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी बहुत ज्यादा इनके बारे में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि द थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और हर क्लास में एक चैप्टर इनका आपको जरूर मिलता है, ठीक है. चैप्टर में मतलब कि इसकी स्टोरी में दो कैरेक्टर मेन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है. एक होगा आपका द थीफ, ठीक है, और दूसरा होगा आपका अनिल. थीफ जो है उसका हमको एग्जैक्ट नाम पता ही नहीं चलता पूरी स्टोरी में, और जो फैब्रिकेटेड नेम, फैब्रिकेटेड से मतलब हो गया नकली नाम जो वो अपना देता है अनिल को उसके घर में घुसने के लिए, वो होता है हरी सिंह. तो हमारे पास में दो नाम हो गए, एक हो गया हमारा हरी सिंह. हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीफ. स्मॉल टाइम से देखो, ये कीवर्ड इस तरीके से ना आप एडजस्ट किया करो. थीव कीवर्ड से क्या मतलब हो गया कि आपको अगर कहीं पे भी हरी सिंह लिखना है ना, तो उसके बारे में एक वर्ड, एक दो तीन वर्ड एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, थीफ है. कैसा थीफ है, स्मॉल टाइम. स्मॉल टाइम से क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक ठाक है, जो ऐसे होते हैं ना लड़के वड़के चले जाते हैं चोरी वोरी करने के लिए, उस टाइप से स्मॉल टाइप का थीफ है. स्मॉल टाइम थीफ हम इसको बोलेंगे, तो ये फ्रेज हो गया ना. तो जब भी हरी सिंह लिखो साथ में लिख दो स्मॉल टाइम थीफ. तो एक तरीके से क्या हो गया, आपको टैग्स मिल गए, कीवर्ड्स मिल गए अपने आंसर में लिखने के लिए. जब बोलते हो कुछ समझ नहीं आ रहा मैम कैसे लिखे, तो ऐसे लिखो. चलो, सो हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीफ. हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रियल नेम हरी सिंह नहीं, और क्या है हमें वो भी नहीं पता क्योंकि ये पूरे स्टोरी में कहीं रिवील नहीं होता. बस इतना पता है कि हरी सिंह इसका नाम हम यहाँ मान के रखेंगे. He keeps on changing his name to escape from police. In fact, वो बोलता भी है कि मेरे प्रीवियस ओनर्स को पता ना चल जाए कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए जैसे ही मैं नई जॉब पकड़ता हूँ नया नाम पकड़ लेता हूँ, पुराना नाम छोड़ देता हूँ. सो इसके लिए आप एक इम्पोर्टेंट लाइन क्या लिखेंगे, He keeps on changing his name. Why? To escape from police or so that his former employees would not recognize him. उसको recognize नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, कैच नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना नाम चेंज करके रखता है हर बार. एक कैरेक्टर हो गया हमारा, ये है हरी सिंह. हरी सिंह कौन है, हमारा थीफ है भाई, जो हमारी स्टोरी का नाम है ना थीफ, वही है हमारा हरी सिंह, ठीक. तो आप आंसर लिखते टाइम या तो इसको हरी सिंह बोल सकते हैं या आप इसको थीफ बार बार थीफ बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका आंसर गलत नहीं होगा. और जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है वो अनिल है, बहुत ही सीधा साधा सा पर्सन है. अब इसके प्रोफेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो लाइनें कीवर्ड्स के लिए इसके साथ में रख लो, और इसने हरी सिंह को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये एक लाइन याद कर लो, दैट्स इट हरी सिंह अनिल के बारे में. सो अनिल सिंह, अनिल कौन है, अनिल एक काइंड पर्सन है, सिंपल पर्सन है, एंड इजी गोइंग यंग मैन है. देखो मैंने आपको तीन वर्ड्स दे दिए इसके लिए, अगर आप अनिल के बारे में कभी भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, काइंड है. काइंड क्यों है,
क्योंकि स्टोरी में जब हरी सिंह उसके पास आता बोलते कि आप मुझे जॉब दे सकते हो, तो बजाय कि उसको ये बोले कि हट भई तू कौन, मुझे क्या मतलब, बोलता है उसको ठीक है आप आ जाओ मेरे घर पे, खाना बना लेते हो तो ठीक है खाना बना देना और मेरे घर रह सकते हो। तो एक काइंड पर्सनैलिटी हुई, या उसको सिखाना पढ़ाना ये भी एक काइंड पर्सनैलिटी हो गई। तो कैसा है? काइंड है, सिंपल है। सिंपल से क्या मतलब कि भाई सिंपल सी लाइफ है, पैसा आया खर्च किया, दूसरे दिन काम पे गए पैसा आया उसको खर्च किया, फिर काम पे गए फिर पैसा आया, ये उसकी लाइफ है। तो बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसकी लाइफ में नहीं है। देन वी कम टू द पॉइंट, इजी गोइंग यंग मैन है वो। आपको स्टोरी के लास्ट में समझ आएगा कि वो इजी गोइंग यंग मैन क्यों था, ठीक है, या हमने उसको ऐसा क्यों बोला। तो तीन कीवर्ड्स हो गए अनिल के लिए जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अनिल की प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। अनिल कौन है? एक राइटर है। किसके लिए लिखता है? मैगजीन के लिए लिखता है। तो आर्टिकल, स्टोरीज, मैगजीन्स के लिए लिखता रहता है। अब ये हो गया एक फ्रीलांसिंग वर्क, ओके। तो आप इसमें बोल सकते हैं या तो वो राइटर है या वो एक फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर क्या होता है? फ्री मतलब अपने मन से काम करना, आपके किसी के अंदर जॉब नहीं कर रहे हैं, रेगुलर आपको कहीं नहीं जाना और रेगुलर इनकम भी नहीं मिलेगी। भाई जब कभी रेगुलर जॉब नहीं करोगे तो रेगुलर इनकम कैसे आएगी? फ्रीलांसिंग में क्या होता है, किसी ने आपसे काम करवाया, आपने करके दिया, आपको पैसा मिल गया। अब नया काम आएगा, नए तरीके से आप करेंगे, नया पैसा मिलेगा, तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग करना। तो इससे एक और पॉइंट पता चला अनिल के बारे में कि उसकी जो इनकम है वो रेगुलर नहीं है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आरटीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक लाइन आ जाएगी अनिल के बारे में, फिर पूछा जाएगा आपसे क्या उसकी इनकम रेगुलर थी। अब यहाँ स्टोरी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि वो एक राइटर था, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग करता था, मैगजीन के लिए लिखता था, राइट फॉर अ मैगजीन एंड मेक मनी बाय फिट्स एंड स्टार। बेसिकली क्या हो गया, इररेगुलर इनकम थी उसकी। ऐसा नहीं था कि रेगुलरिटी के साथ हर महीने 30 तारीख को या 1 तारीख को उसके पैसे आ रहे, जो होता है ना जॉब में मेनली, उसके नहीं आते थे। उसकी फ्रीलांसिंग का काम था, जिस दिन काम किया पैसा आ गया, जिस दिन काम किया पैसा नहीं आया। इसको बोलते हैं अर्निंग मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, लिख सकते हैं आप, एडीएम होता है बेसिकली, है ना, इररेगुलरिटी को शो करता है। तो आप इस तरीके का अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्स। क्लियर हो गया? तो अनिल के बारे में हमें नॉलेज मिल गई, हरी सिंह के तो दो ही कैरेक्टर है, इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर झाकेगा भी नहीं स्टोरी के अंदर। तो इन्हीं दोनों की स्टोरी है, कैसे होता है क्या होता है वो सब। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, मैसेज बताऊंगी, इंपॉर्टेंट लेसन इससे क्या मिलता है। अब हम लोग वन बाय वन स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा थीफ, इसका नाम है हरी सिंह, ओके। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं पहली बार अनिल से मिला तो मैं एक थीफ था। ये हरी सिंह की लाइन है, यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है। आप चाहे तो अपनी बुक निकाल के बैठ सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है, या यहाँ आपको लिखा मिला है, पूरा चैप्टर लिख के लाई हो आपका, आप इसमें देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई वर्ड आप समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। कौन है ये आई? हु इज आई? किसके लिए है ये आई? हु डज आई रेफर टू? हरी सिंह, थीफ। आप जो भी आंसर लिखेंगे दोनों सही होंगे। यहाँ आई से स्टोरी शुरू हो रही है, ऐसी स्टोरीज को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, क्योंकि हर स्टोरी को कोई ना कोई नरेटर नरेट करता है। नरेट करने का मतलब हो गया बोलना, बताना, टेल करना, हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सामने वाला बता रहा है। अब स्टोरी किसी भी नरेशन में हो सकती है, थर्ड पर्सन में हो सकती है, सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट में, ये फर्स्ट में है, क्यों? क्योंकि हरी सिंह खुद ही अपनी स्टोरी बता रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन नरेशन हो गया। तो हरी सिंह हमसे क्या कहता है, बोलता है, I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला, मैं एक थीफ था, and though only 15, कितने साल का है? 15. देखो कीवर्ड्स इसके मिलते जा रहे हैं। अनिल, हरी सिंह कौन है? थीफ है। कितने साल का था जब अनिल से मिला? 15 का, 15 साल का था। और कैसा था? एक एक्सपीरियंस्ड थीफ था। एक्सपीरियंस्ड बोले तो उसको अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, 15 साल का था, मतलब 10 साल से भी चोरी कर रहा होगा तो 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया चोरी करने का, ये बताना चाह रहा है वो आपको। एंड फेयरली सक्सेसफुल है, और जब भी ट्राई किया है हर बार चोरी करके भाग गया, मतलब सक्सेसफुल हुआ, थीफ है फिर भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, तो ये एक सक्सेसफुल हैंड है उसका। सक्सेसफुल हैंड से मतलब हो गया सक्सेसफुल हो गया अपने काम में, ठीक है। तो हरी सिंह इज अ सक्सेसफुल थीफ। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच।
अब ये कहीं मिले होंगे, एक रेसलिंग मैच हो रहा होगा, अनिल उसको देखने गया होगा, तो इन दोनों की मीटिंग कहाँ होती है, एक रेसलिंग मैच में। वेर अप्रोच हिम, अप्रोच करने का मतलब होता है आप आगे बढ़ते हैं किसी से कुछ करने के लिए, मिलने के लिए, काम निकलवाने के लिए, उसको हम अप्रोच करना बोलते हैं। ओके, या फिर किसी भी काम को करने के लिए आप स्टार्टिंग करते हो तो उसको भी आप अप्रोच करना बोलते हो। तो आई अप्रोच्ड हिम, मैंने उसको अप्रोच किया, ही वाज अबाउट 25, तो अनिल 25 का है, हरी सिंह 15 का है, 10 ईयर का गैप हो गया। अब यहाँ अनिल के कुछ क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कैरेक्टर ऐसा था ना, कैरेक्टर स्केच आ गया हमें तो पता ही नहीं था क्या लिखना है, अरे सब तो तुम्हें दे रखा है बुक में, तुमको बस उनको एज इट इज स्ट्रक्चर वाइज लिखना होता है। तो अनिल के बारे में देखो, टॉल है ना, लीन है, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो ये सारी लाइनें किसने बोली, हरी सिंह ने बोली थी। हरी सिंह ने बोली, जब मैंने उसको देखा ना, मुझे बड़ा इजी गोइंग लगा एंड परफेक्ट फॉर माय पर्पस। मेरा पर्पस क्या है, चलो बताओ मुझे चैट में फटाफट से, इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर हरी सिंह का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट अ क्लाइंट और हिज नेक्स्ट प्रे, PREY, शिकार, उसका अगला शिकार ढूंढ रहा था, और जैसे ही वो हरी सिंह अनिल से मिलता है तो उसको रियलाइज होता है, ही इज द परफेक्ट फिट फॉर माय पर्पस, मेरे पर्पस के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो। मतलब किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, आप इतनी उससे ऑनेस्टी से बात करो, अच्छे से बात करो, उसको आप पे ट्रस्ट हो जाए, वो बोले अरे यार आदमी तो सही है। तो आपने क्या किया, यू एक्चुअली ट्राई टू गेट समबडी इनटू योर कॉन्फिडेंस, टू गेट इनटू द टू समवन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, वो जो हमारा हरी सिंह है वो बोलता है कि बहुत टाइम से ना लक अच्छा नहीं, ये सब इडियम्स है देखो, हैडंट हैड मच लक, मतलब बहुत टाइम से ना टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कितनी कोशिश करी अच्छा सा क्लाइंट पकड़ू बट मिल ही नहीं रहा, बट आई थिंक इस बार मुझे मेरा क्लाइंट मिल गया है। अब वो क्या करता है, अनिल के पास जाता है और अनिल से कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तुम तो खुद ही एक रेसलर लग रहे हो, रेसलर हो क्या, तुम भी रेसलिंग करते हो क्या, मतलब ये पहलवानी वगैरह तुम भी करते हो क्या। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी, अब फ्लैटरी क्या वर्ड हो गया, जब आप किसी को मक्खन लगाते हो, चापलूसी करते हो, तो फ्लैटरी वर्ड यूज होता है ना, फ्लैटर करना किसी को। अब हरी सिंह का जो पर्पस था अनिल के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके घर में जाना, तो उसकी फ्लैटरी तो करनी पड़ेगी। जैसे ही अनिल खुश हो जाएगा, उसे कह देगा ठीक है आ जा मेरे घर में, लूट ले मुझे आके। ठीक है, तो अनिल ने बेसिकली यहाँ क्या किया, हरी सिंह ने यहाँ क्या किया, अनिल की फ्लैटरी करना शुरू कर दिया, बोलता है अरे तुम तो खुद ही रेसलर लग रहे हो, रेसलर हो क्या। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आपके लिए ना एक स्टेटमेंट हो गया, आप भी याद कर लो, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग गुड फ्रेंड्स, मतलब अगर किसी से दोस्ती करनी है तो थोड़ी सी उसकी बटरिंग करो, वो खुश हो जाएगा और आपका दोस्त बन जाएगा। ऑल दिस अ कनिंग स्टेटमेंट, कनिंग चालाकी भरा स्टेटमेंट है ना, दिल से दोस्ती करनी होती है तो एक डिफरेंट होता है, ये तो पर्पसफुल है, पर्पस से मतलब हो गया, ये तो जानबूझ के ये सब कर रहा है। ओके, सो डू यू, ही रिप्लाई, तो जब उसने पूछा ना कि क्या तुम एक रेसलर हो, तो अनिल उससे रिपीट करके पूछा, डू यू, तुम भी हो क्या, तो ये आंसर क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, तुम भी हो क्या, ही रिप्लाई, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज वेरी थिन। तो यहाँ पे अनिल हरी सिंह अपने लिए बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी इतना थिन सा था, सूखा सूखा सा पतला सा देखने में लगता था, तो मैं तो बड़ा एकदम अजीब सा फील, ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जब उसने बोला तुम करते हो क्या रेसलिंग, और मैं इतना पतला सा तो मैं क्या ही रेसलिंग करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट एक कन्वर्सेशन आपको बताई गई है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हरी सिंह उसको पूछ रहा है तुम रेसलर हो क्या, वो उससे पूछ रहा है तुम हो क्या। सो फाइनली बातें आगे बढ़ेंगी और जो पर्पस है मेन उसके घर में घुसने का, उसके आगे सोचा जाएगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब बहुत ही लोअर वॉइस में, हम्बल तरीके से, मतलब क्या ही बोलना इसमें, आंसर दे देते हैं, तो बहुत ही हम्बल तरीके से वो बोलता है, आई डू रेसल अ बिट, हाँ कभी कभी, डू रेसल अ बिट, हाँ कभी कभी मैं रेसलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बनाने हैं, आप कोई रेसलिंग मैच देखने आया है मतलब उसको रेसलिंग में इंटरेस्ट होगा, तो उसको बोलना पड़ेगा मेरे को भी रेसलिंग में इंटरेस्ट है, तभी तो वाइब्स मैच होंगे, तभी तो आप फ्रेंड्स बनोगे। तो यहाँ हरी सिंह पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है अनिल को फ्लैटर करने की और चालाकी से उसका फ्रेंड बनने की। पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया, अब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, चल फिर क्या होता है,
व्हाट्स योर नेम, पूछता है अनिल सिंह, अनिल उसको पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, चलो बताओ, वो बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। अब यहाँ हरी सिंह हमें खुद बता रहा है कि उसका नाम गलत है, नरेशन में वो क्या बोलता है, आई टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब ये वाली जो लाइन है ना, वो हरी सिंह अनिल को नहीं बोल रहा, हमको बोल रहा है, नरेट करके लीडर को बता रहा है कि मैं हर साल नया नाम लेता हूँ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से बच के रहने, अहेड मतलब पुलिस से आगे आगे, पुलिस पीछे है तो तुम आगे आगे, मतलब तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी पुलिस, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, फॉर्मर मतलब इससे पहले जिन जिनके घर मैंने काम किया है, जिनकी भी चोरी करी है, जिनको भी लूट के आया हूँ, वो सब लोग मुझे पकड़ नहीं पाते, इसीलिए मैं हर बार नाम चेंज कर लेता हूँ, हर महीने नाम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हर महीने एक नया क्लाइंट पकड़ता हूँ, एक महीने उसके घर में रहता हूँ, उसको उसके यहाँ चोरी करता हूँ और भाग जाता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। हरी सिंह की बात हो रही है, ठीक है, ओके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो ये सारा इंट्रोडक्शन कवर हो गया। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो अभी क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल को तो रेसलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो बातें करने लगता है। ही टॉक्ड अबाउट क्या, वेल ऑयल, ऑयल लग रखी है रेसलर्स के पूरे शरीर पर, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, और ये सारी बातें होने लगी। आई डिडंट हैव मच टू से, अब इसके पास तो कुछ कहने को है नहीं, किसके पास, कौन है ये, हरी सिंह, हरी सिंह के लिए एच लिखूंगी, अनिल के लिए ए, ठीक है, तो हरी सिंह के पास तो ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि ये कहां रेसलिंग जानता है, झूठ बोल रहा है कि मेरे को रेसलिंग आती है और वहां आ गया देखने के लिए, इसको कोई शौक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, तो अब क्या हुआ, बातें खत्म हो गई, अनिल आगे बढ़ने लगा, मैंने उसको फॉलो किया कैजुअली, कैजुअली मतलब उसको पता ना चले कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे इधर उधर गया, फिर से वहीं जाके खड़ा हो गया जहां अनिल खड़ा था। ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसको अनिल से कैसे भी करके फ्रेंडशिप करनी है। चलो फिर क्या हुआ, आई गेव हिम हेलो अगेन, ही सेड, वो फिर से बोलता हाय हेलो, मतलब फिर से मिल गए तो फिर से हेलो। I gave him my most appealing smile. Most appealing smile का क्या मतलब हो गया? जब आप ऐसी smile करो कि सामने वाला आपकी smile को response दे, ठीक है? जैसे आप किसी से कभी मिलते हो, कोई smile कर देता है, तो आप क्या करोगे? फिर आपको भी बाद में smile करनी होगी। अब वो जो smile करने वाला बंदा है, अगर चाहता है ना आपसे बात करना, तो बार बार आपको देखेगा, बार बार smile करेगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, उसका gesture हो गया ये बताने के लिए कि I'm interested in talking to you. तो सेम केस यहाँ होते थे, बड़ी अपीलिंग सी एक और स्माइल देता है और अनिल समझ जाता है इसको मेरे से कुछ तो काम है, हाँ भाई बता क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन उनका होने लगता है। आई वांट टू वर्क फॉर यू, अब वो बोलता है सी देखो मैं ना तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दो, बट आई कैंट पे यू, किसकी लाइन है ये, अनिल की। अनिल बोलता है आ जाओ कर लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो मैं तुम्हें पे तो नहीं करूंगा, काम करना है तो कर लो। अब ऐसे में हरी सिंह को क्या करना चाहिए, क्या वो काम करेगा? आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। मिसजज का क्या मतलब हो गया, भाई इसने तो सोचा ये ही परफेक्ट शिकार है, इसी को पकड़ता हूँ, ठीक ठाक सा लग रहा है, रेसलिंग मैच देखने आया है, बहुत पैसा होगा, इसी को ही पकड़ के एक महीना इसके घर काम करके इसको लूट के निकल लूंगा। फिर जब अनिल बोलता है ना मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, मैं पे नहीं करूंगा, तब इसको लगता है अरे यार जज करा लेकिन मिस जज करा, ये सही पर्सन नहीं है, ये मेरा शिकार नहीं है, इसके साथ तो काम नहीं चलेगा, बट चलो कोई नहीं ट्राई कर लेते हैं देखते हैं। सो आई आस्क कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, देखो फीड मतलब खाना खिलाना, ओके तो बोलते अच्छा ठीक है तुम मुझे खाना खिला सकते हो, पे मत करना, खाना खिला सकते हो। अनिल फिर क्वेश्चन करता है कैन यू कुक, तुम कुक कर सकते हो, आई कैन कुक। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है, आई लाइड अगेन, पहले इसने अपने नाम के लिए झूठ बोला, फिर इसने रेसलिंग मैच के लिए झूठ बोला, अब तीसरी बार ये फिर झूठ बोल रहा है, हाँ मैं कुक कर लेता हूँ, कुक नहीं करना जानता, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड, इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके लिए, आरटीसी में पूछी जा सकती है कि ये लाइन किसकी थी, इसके आगे के क्वेश्चन, स्पीच के क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। अनिल ने ये लाइन बोली, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तुम खाना बना दो मैं तुम्हें खिला दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, रहो मेरे घर में, पेमेंट नहीं दूंगा, क्लियर हो गया, ओके। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो यहां से लेके यहां तक आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनली अनिल उसको लेके जाता है अपने घर में, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर है, वहां ले जाता है, बोलता है जाओ बालकनी में जाके तुम सो सकते हो। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यस लिखेंगे चैट सेक्शन में, बातें समझ आ रही है तो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। अब क्या हुआ, बात हुई थी कि तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अब अनिल ने बोला हरी सिंह को जाओ खाना बनाओ, हरी सिंह ने बनाया, पर जो खाना था वो कैसा था, बहुत ही बेकार था, क्योंकि झूठ बोल रहा था ना, इसको खाना बनाना नहीं आता।
अब ये बोलते हैं कि जो खाना मैंने बनाया था अनिल ने उस रात स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराया, मतलब थ्रो कर दिया, क्योंकि अनिल ने वो स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला भाई यहां से ना कट ले, निकल ले यहां से, क्योंकि तेरे को खाना बनाना आता नहीं, ऐसा खाना कौन खाएगा, तो सुबह होगी तुम लोग चले जाना अपने घर, ऐसा करके उसको मतलब तुम निकल लेना यहाँ से, ऐसा करके वो हरी सिंह को बोल देता है और जो खाना था वो फेंक देता है। तो इससे इसको समझ आता है कि मैंने जो खाना बनाया वॉज वेरी टेरेबल, अच्छा नहीं था, बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो इधर उधर बस क्या है हंग अराउंड करता रहा। हंग अराउंड का मतलब हो गया ना जान, मतलब इसने बोला ना चले जाओ तो गया नहीं, वही घूमता रहा, मंडराता रहा, हिंदी में आप बोल सकते हैं ना, वही मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे, हंसता रहा, स्माइल करता रहा, नहीं मैं तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोला कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं तो यही रहूंगा और ठीक है मैं फिर से बना दूंगा, और स्माइल करके दिखा दो, जो मॉडेस्ट पर्सन होगा, सिंपल पर्सन होगा, इजी गोइंग पर्सन होगा, वो आपको नहीं निकालेगा, ठीक है। तो सेम इसके साथ में होता है, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब क्या हुआ भाई, अनिल तो हंस गया तो फंस गया तो अब फाइनली अनिल उसको नहीं निकालेगा घर से, और अब होगी आगे की स्टोरी शुरू कि रोज वो कैसे अनिल का काम करेगा घर के, अनिल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, उसके पैसे कहाँ रखे हैं नहीं है, उसका प्रोफेशन क्या है, सब पता लगाएगा, और एक दिन पैसे लेके फुर उड़ जाएगा। तो वही हम आगे स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, फिर क्या हुआ, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में वो मुझे पैट करता है ऐसे, है ना, पैट करता है और बोलता है ठीक है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, I will teach you how to cook. मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि खाना कैसे बनाना है, नंबर वन, ठीक है, और तुमको पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, ये भी उसको बोलता है, तो ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा। He also taught me how to write my name, अपना नाम लिखना सिखाया, क्योंकि हरी सिंह एक 15 साल का बच्चा जो चोरी कर रहा है तो स्कूल तो कभी गया ही नहीं होगा, स्कूल नहीं गया होगा तो पढ़ाई नहीं करी होगी, तो नाम लिखना भी नहीं आता, तो उसने उसको क्या सिखाया, खाना बनाना सिखाया, अपना नाम लिखना सिखाया, एंड सेड ही वुड सून टीच मी हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर, मतलब कि मैथ इंग्लिश हिंदी सब सिखाएगा, अपना नाम लिखना सिखाएगा, सेंटेंसेस में लिखना सिखाएगा, नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा, बेसिकली उसको लिटरेट बनाएगा। तो अनिल उसको बोलता है ठीक है, होता है ना, मतलब आप किसी से गुस्से को लिखना आता है नहीं, जब मैं सिखाता हूँ, जब आपके घर में हेल्पर्स होते हैं, तो एक तरीके से अनिल इसको सिखा भी रहा है काम और अपने घर में भी रख रहा है, राइट, सब कुछ अच्छा चल रहा है अब तक। चल, ग्रेटफुल, मुझे अच्छा लगा, ग्रेटफुल होता है जब आप किसी की काम को थैंक यू बोलते हैं, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो बी ग्रेटफुल, थैंक यू कि आप मुझे हेल्प कर रहे हैं। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ये मैंने आपको बोला था कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी, देखो ये उनमें से एक है, दिस इज वन ऑफ दोस इंपॉर्टेंट लाइन्स। अनिल ने जब हरी सिंह को लिखना पढ़ना सिखाया तब यहाँ हरी सिंह बोलता है आई न्यू, मुझे पता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, एक बार मैं एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, एंड दिस इज ट्रू। तो ये लाइन आपकी आरटीसी में आ सकती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकती है, ये लाइन लिख दी जाएगी चैप्टर की और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा जिसका आंसर आपको वैल्यू बेस्ड देना पड़ेगा। तो है ना इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन आपके लिए, तो उसको आप ध्यान रखना। अनिल जब उसको हेल्प करता है तब हरी सिंह ये बात बोलता है। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करने में बड़ा मजा आता था। यहाँ से आपको वो पूरा अपना रूटीन बताने वाला है एग्जैक्टली क्या होता, ठीक है। सो आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में टी बनानी है, देन वुड टेक माय टाइम बाइंग द ग्रोसरी, दिन भर का सप्लाई, घर का सामान खरीदना है। दूसरा, यूजुअली मेक अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। तो जब ऐसा होता है ना, जब आप किसी से ग्रोसरी किसी के लिए लाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक दो रुपया इधर उधर कर लो, कहाँ पता चलेगा हिसाब किताब में कि तुमने कितना सब्जी वाले ने कितना लिया, दूध वाले ने कितना लिया, तो एक दो रुपया इधर उधर से प्रॉफिट कर लेता था, ठीक है कोई बात नहीं चलता है। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Point क्या है यहाँ पर? बोलते हैं कि मैंने ये, मुझे ऐसा लगता था अनिल की बातों से कभी कभी कि इसको पता है कि मैंने एक दो रुपए इधर उधर कर लिए हैं, बट ये मुझे कुछ बोलता नहीं था, इसको लगता था ठीक है। और फिर हमने क्या बोला, अनिल इज अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, वो ज्यादा चे चे पे पे नहीं करता, ठीक है तुमको पैसे एक दो तुमने इधर उधर कर लिए कोई बात नहीं, तुम काम भी इतना कर रहे हो मेरे लिए तो चलता है, इस तरीके का माइंड सेट अनिल का था।
ठीक है भाई। तो यहाँ तक उसने आपको क्या बताया, हमने रूटीन के बारे में बताया कि एग्जैक्टली वो क्या करता था, सुबह की चाय बनाता था, घर का काम करता था, सप्लाई ग्रॉसरी लेके आता था और उसी से 1-2 रुपया कमाता था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि अनिल के घर में जब हरी सिंह रह रहा था तो वो कैसे काम चलाता था, कैसे अर्न करता था या पैसे कैसे मैनेज करता था। तो अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अपना आंसर लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत मिलता जुलता। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ भाई, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अब यहाँ हमें बताया जा रहा है अनिल के बारे में कि अनिल का प्रोफेशन क्या था और वो मनी या पैसे कैसे कमाता था, क्या करता था। फिट्स एंड स्टार्स से कमाता था, मतलब कि बड़ी इरेग्युलर सी इनकम थी उसकी, इरेग्युलर इनकम थी उसकी, रेगुलर पैसे नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे, ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। 1 महीने 1 हफ्ते तो वो किसी से बोरो करता था, पैसे मांगता था और दूसरे हफ्ते वो वापस करता था। इस तरीके से काम चलता था, मतलब यहाँ से आए उसे दे दिए, वहां से आए इसे दे दिए, फिर इससे मांग लिए, इसके वाले उसको दे दिए, उस वाले को इसके दे दिए, ऐसे ही उसका काम चल जाता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it is arrived, he would go out and celebrate. तो अब यहाँ बताते हैं कि वो करता क्या था कि जैसे ही पैसा आया सारा उड़ा दिया। अब वो दूसरे चेक का वेट करेगा, जो भी उसने काम करा उसका। अभी तक हमें यही बताया कि वो मैगजीन में लिखता है, बस इतना बताया है कि जैसे ही चेक आता था वो उसको उड़ा देता था, मतलब कि पैसा खर्च, फिर दूसरा चेक आएगा और तब तक टेंशन में रहेगा। लिखा है ना यहाँ पे, ही कैप्ट वरिंग, टेंशन में रहता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और जैसे ही, बट एज सून एज इट अराइव, जैसे ही पैसा आता था ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, मस्ती करेगा, पार्टी करेगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, अ कियर वे टू मेक अ लिविंग। कियर स्ट्रेंज, कियर का क्या मतलब हो गया, स्ट्रेंज मतलब आज के टाइम तो ठीक है, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग एक अपने आप में जॉब बन गई है, पर जबकि ये स्टोरी है उस टाइम पे आप किसी को बोलो मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ या मैं मैगजीन के लिए लिखता हूँ, तो इट्स अ वेरी क्लियर स्ट्रेंज जॉब। मतलब जॉब तो कैसी होती है, जॉब तो टीचिंग की होती है, पुलिस की होती है, डॉक्टर की होती है, इंजीनियर की होती है, झाड़ू पोछा करने जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, है ना। अब ये क्या होता है कि हम लिखते हैं, तो वो अभी के सिनारियों में इट्स अ फिट, अदरवाइज पहले के सिनेरियो में इट वॉज नॉट। अब जैसे आप अभी आज के टाइम में जैसे होते ना कॉमेडियन हूं मैं, तो अब तो हम कॉमेडियंस को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ भाई एक है स्टैंड अप कॉमेडियन नाम से कुछ होता है, एक कॉमेडियन होता है जाता है स्टेज पे लोगों को हंसाता है, उसको पैसे मिलते हैं। पहले कहाँ था ये सब, तो जब कोई बताता था ना मैं कॉमेडियन, तो अच्छा ठीक है बट पैसे के लिए क्या करते हो, ये तो तुम्हारा शौक हो गया। तो अभी क्या हो गया कि शौक ही आपका जॉब में कन्वर्ट हो जाता है, हॉबी ही आपकी क्या है, लाइफ का जॉब बन जाता है, करियर बन जाता है आपका। तो वैसे ही यहाँ इस लाइन को आप लेंगे, तो क्लियर क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे स्टोरी लिखना, मैगजीन के लिए लिखना वाज नॉट अ जॉब। ओके, ऊपर से ये फ्रीलांसिंग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको रेगुलर पैसा आता रहेगा, नहीं, काम करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो क्लियर वे ऑफ लिविंग, क्लियर हो गया। तो यहाँ हमें बता दिया जाता है कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। यहाँ से अब आपका प्लॉट में ट्विस्ट हल्का हल्का आना शुरू हुआ, यहां तक की इजी लाइन थी, है ना, सब कुछ इजी थी। इसके आगे आप देखो थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। वन इवनिंग, अब एक इवनिंग क्या होता है, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वो घर आता है, उसके हाथ में क्या है, एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स है, पैसे हैं उसके हाथ में। Saying he had just sold a book to a publisher. तो वो बोलता है कि कोई बुक थी उसकी जो लिखी जा रही थी और आज वो पब्लिशर को सेल आउट हो चुकी है, तो आज उसको मिले पैसे, ठीक है, जो भी होंगे 500-600 जो भी उसको मिला। At night I saw him tuck the money, tuck मतलब एकदम रखना किसी के अंदर, under the mattress, तो mattress के अंदर अंदर घुसा के उसने पैसे रख दिए। कितने आए थे उसके पास में अभी हमें नहीं पता है, जब चोरी हो जाएंगे तो पता चलेंगे, जब हरी से उनको गिनेगा, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, अनिल आता है घर पे पैसे लेके, बंडल ऑफ नोट्स लेके, और बोलता है आज मेरी बुक पब्लिशर को सेल आउट हुई है इसीलिए आज पैसे मिले हैं। इतना बोल के वो मैट्रेस के अंदर पैसे रखता है और सो जाता है। हरी सिंह क्या करेगा, अपना जो प्रोफेशन है थीफ वाला उसको आज कंटिन्यू करेगा। आई हैव बीन, अब देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पैराग्राफ है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरटीसी में आता है ये वाला। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब एक महीना हो गया था मुझे, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। देखो कौन सा टेंस है, नोटिस कर रहे हो, देखो आपको टेंसेस सिखाए थे मैंने, नोटिस करो कौन सा टेंस है, और यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, फॉर, क्योंकि अब मंथ की बात हो रही है। अब मंथ में तो कोई भी मंथ हो सकता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां आपको मैंने सिखाया हुआ है, हैड बीन अगर लग रहा है तो अब मंथ, ठीक है। सो बोलता है कि अब मुझे ना क्या हो गया था,
एक महीने से ज्यादा हो गया था अनिल के घर काम करते करते, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग वन रुपीज ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग के टाइम पे जो पैसा चुराता था एक दो, बताया था ना ग्रोसरी लेने जाता था, तो वो जो करता था उतना करा, उसके अलावा मैंने कुछ भी चीटिंग नहीं करी भाई। मेरे पास तो अनिल के घर के कीज भी थे, मैं जब चाहूं ओपन करके अंदर आ जाऊं, जब चाहे क्लोज करके बाहर चला जाऊं, जो भी सामान इधर उधर करना है, जो भी पैसा इधर उधर करना है, बहुत इजीली कर सकता हूं। बट क्या मैंने किया? नहीं किया। तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन आज करूंगा, क्योंकि आज एक्चुअल मनी अनिल घर पर लेकर आया है। ठीक है, ओके। तो बोलता है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग फ्रॉम on the shopping, had not done anything in my line of work. क्या हो गया? मेरा जो काम है उसमें मैंने कुछ नहीं किया। चीटिंग करना, चोरी करना मेरा काम है, मैंने कुछ नहीं किया। I had every opportunity for doing so. मेरे पास सारी opportunities थी। क्या क्या opportunity थी मेरे पास में? Anil had given me keys to the door. मेरे पास घर की चाबियां थी, and I could come and go as I pleased. जब मन करा आना, जब मन करा जाना. He was the most trusting person I had ever met. अब ये लाइन किसकी है? ये हरि सिंह बोल रहा है अनिल के लिए कि अनिल इज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। अदरवाइज आपके घर में कोई स्ट्रेंजर काम करता है तो उसको चाबी देके कौन जाता है? घर के कीज देके कौन जाता है? अनिल कैसा था? बहुत इजी गोइंग, सिंपल एंड काइंड पर्सन था, और उसको ज्यादा फर्क था नहीं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा आपका, अभी मैं बताऊंगी आपको, वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अनिल के बारे में, हरि सिंह का क्या पर्सपेक्टिव था, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। देखो मैंने बोला आपको अब आने वाली है वो लाइन, दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। क्वेश्चन बन गया, वाई वॉज इट सो डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, क्यों था ऐसा? इसको आप एक्सप्लेन करेंगे नीचे वाले पैराग्राफ से और ऊपर वाले पैराग्राफ से। एक तो ये आप बताएंगे कि अनिल बड़ा ट्रस्टवर्दी पर्सन था, ही वाज द ओनली पर्सन जिसने क्या किया था, ट्रस्ट किया था किसके ऊपर? हरि सिंह के ऊपर। और हरि सिंह ने ऐसा आदमी पहले कभी देखा ही नहीं था जो इतना ट्रस्ट करे, और इसी की वजह से चोरी करने में मजा नहीं आता था। क्यों? वो बोलता है इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी लालची पर्सन को रॉब करना इजी है। क्यों? Because he can afford it. वो तो afford कर सकता है, लालच है, कहीं ना कहीं से पैसा इधर उधर मारा, हमने चोरी कर लिया तो क्या करेगा? ज्यादा से अगर रोएगा, परेशान होएगा, चलेगा, क्योंकि खुद ही लालची था, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम? जो लालची है उसकी भी नेगेटिव ट्रेट है, मेरी भी नेगेटिव ट्रेट हुई क्योंकि मैं चोरी कर रही हूँ, तो हम दोनों की ट्रेट क्या होगी? मिक्स हो गई, फर्क नहीं पड़ता कौन सही कौन गलत। चलो ठीक है, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन, लेकिन जो केयरलेस पर्सन है ना उस पर क्या आता है? दया आती है, सिंपथी फील होती है उसके लिए कि बेचारा खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकता, ऊपर से मैंने और अगर इसकी चोरी कर ली तो ये क्या ही करेगा अपनी लाइफ में? एक तो वैसे ही इस पे पैसे नहीं आते, एक तो वैसे ही ऐसा रहता है, एक तो वैसे ही इसकी रेगुलर इनकम है, घर का ख्याल नहीं रखता, चाबी मेरे को दे रखी है, क्या ही चोरी करूंगा मैं? तो बोलते कि इट्स डिफिकल्ट टू रॉब पीपल लाइक अनिल। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आप आंसर करिएगा। ठीक है, ओके। Now, sometimes he doesn't even notice he has been robbed. जैसे वो बोलता है ना कि मैं तो एक दो रुपया वैसे रोज चुरा भी लेता था ग्रोसरी से, इसको कभी पता ही नहीं चलता था, तो बोलता है उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि मैंने चोरी की, और इसी वजह से मजा ही नहीं आता चोरी करने में, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। भाई क्या ही फायदा ऐसी चोरी का, क्या फायदा कि चोरी होने वाले को पता ही नहीं चले कि उसकी रॉबरी हो गई है? तो आधा चोर का जो चोर को दो प्लेजर मिलते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी चोर को दो प्लेजर मिलते हैं। क्या? एक तो उसको पैसा मिलता है जो उसने चोरी किया, पैसा, सामान, ज्वेलरी वुलरी जो भी किया। दूसरा, वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील करता है, आर्टिस्टिक फील करता है, उसको लगता है मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैंने चोरी की और कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, सब लोग रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मुझे देखो, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो आज मजे में हूँ, हैप्पी हूँ, और मैंने इतनी अच्छी से प्लानिंग करी कि मैंने इतने सारे लोगों को पागल बना दिया। अब ठीक है, पैसे वाली बात तो ठीक है, मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन दूसरों को पागल बना दिया वाला प्लेजर कहाँ है अनिल के केस में? है क्या? नहीं है, क्योंकि अनिल पागल बना ही नहीं, अनिल को फर्क ही नहीं पड़ता तुमने पैसे चुराए, उसको पता ही नहीं तुमने पैसे चुराए। तो बोलते हैं जो सेकंड वाला प्लेजर है वो मुझे मिलता ही नहीं अगर मैं अनिल की चोरी करता, समझ आ गया? तो बोलता है इट टेक्स द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। फिर फाइनली बोलता है चलो ठीक है, जो है सो है, अब तो चोरी करनी है। I told myself I am out of
प्रैक्टिस, तो ये बोलते हैं मैं ना वैसे भी क्या हो गया हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। आउट ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब हो गया भाई, अब कोई काम तुमने कई दिनों से नहीं किया, बाइक नहीं चलाई, कार नहीं चलाई, चोरी नहीं की, तो प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, तो चलो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइनली अब ये चोरी करेगा, किसकी, अनिल के पैसों की जो आज उसको मिले हैं, और किसके अंदर है, मैट्रेस के अंदर है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो यहाँ पे तीन लाइनें हैं जो ये यहाँ पे हमें बिताना चाह रहा है, बोल रहा है अगर मैंने पैसा चोरी नहीं किया तो वो क्या करेगा, इसको वेस्ट कर देगा। मैं चोरी कर लूंगा तो मैं रख लूंगा, नहीं रखूंगा तो ये तो वैसे भी वेस्ट करेगा। कैसे वेस्ट करेगा, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है पार्टी करके सारे उड़ा देता है, तो इससे तो अच्छा मैं ही छुड़ा लूं। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है, एक तो ये मुझे पे भी नहीं करता, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। एक एक पॉइंट से एक एक लाइन बनेगी आंसर की आपकी, कि भाई वो क्यों चोरी करना चाहता था। तो वो बोलता है एक तो वैसे भी मुझे पता है ये वेस्ट कर देगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उड़ा देगा, ऊपर से मेरे को पे नहीं करता, इससे तो अच्छा मैं ही चोरी कर लेता हूँ। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो चोरी करेगा। आइए फिर वो बोलते हैं मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया हूँ, तो और वैसे भी मैंने कुछ नहीं चुराया अभी तक, तो बेटर है कि मैं, मतलब मेरे पास इतना ऑप्शन थे ना चुराने के लिए, जो पहली वाली लाइन में था, मेरे पास कीज थी डोर की, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख दीजिए, मेरे पास कीज थी फिर भी मैंने चोरी नहीं करी, वो ट्रस्ट करता था फिर भी मैंने चोरी नहीं की, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रखा था इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो सारे पैसे फ्रेंड्स फिर लुटा देगा, मुझे पे भी नहीं करता है तो क्यों ना करूं चोरी। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल। आगे आंसर आपका, इस तरीके से आपने आंसर अपने बनाने हैं चैप्टर के अंदर से। चलो आगे बढ़े भाई, चोरी करने का टाइम आ गया, अनिल वॉज स्लीप, अनिल क्या कर रहा है, सो रहा है। अनिल क्या कर रहा है, सो रहा है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मूनलाइट, रात की रोशनी, चांद की रोशनी आ रही है, कहाँ जा रही है, बेड, बैल्कनी से बेड के ऊपर गिर रही है जहां पे अनिल सो रहा है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा, कंसीडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को मैंने सोचा क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लॉटिंग क्या करनी है, कितने बजे निकलूं, ट्रेन कहाँ की पकड़ूं, सब करता है। सो इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ अभी अभी भागता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली जो 10:30 एक्सप्रेस है ना उसको पकड़ लूंगा, ट्रेन को, और यहाँ से फुर उड़ लूंगा, तो पता ही नहीं चलेगा मैंने पैसे चुराए। नेक्स्ट टारगेट लखनऊ में बनाएंगे, ठीक है। सो स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से मैं निकला, आई क्रैप्ड अप टू द बेड, बेड पे धीरे धीरे क्रैप करना, धीरे धीरे क्रीक करते हुए वहां गया। अनिल वॉज स्लीप पीसफुली, अनिल तो सो रहा है मस्त तरीके से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, फेस पे कोई टेंशन नहीं है, इससे ज्यादा टेंशन तो हरी सिंह के पेस पे थी। अनिल तो एकदम स्लीप, पीसफुल स्लीप ले रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, मेरे फेस पे ज्यादा टेंशन दिख रही थी, मार्क्स दिख रहे थे, लाइनें दिख रही थी, अनिल के पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे पे स्कार्स थे। अब स्कार्स से क्या समझ आया, ये एक ऐसा केयरलेस पर्सन रहा है शुरू से ही, जिसके पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, यहाँ मिला वहां खा लिया, ऐसे कर लिया, लग गई, रो गए, सो गए, उस टाइप का पर्सन रहा। तो बोलते हैं मेरे फेस पे बहुत स्कार्स थे, अनिल का फेस एकदम क्लीन दिख रहा था उस दिन, क्योंकि उसने पहली बार अनिल को इतने पास से देखा, पैसे निकाले ना मैट्रेस के नीचे से, तो वहां से देख रहा है अनिल को, अनिल सो रहा है। तो इसने क्या किया, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर मैंने अपना हाथ डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढा, व्हेन आई फाउंड देम, मुझे वो मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, चुपचाप से मैंने वो पैसे क्या किया, बाहर निकाल लिए मैट्रेस से, अब पैसे मेरे हाथ में है। अनिल साइड इन द इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, तो उसने साइड चेंज की और उसने साई किया, साई या कोई भी आवाज निकालना है, किसी भी तरीके से फील करना सोते टाइम जब आप रिलीफ में होते हो, और उसने साइड लिया, टर्न लिया, मतलब लेफ्ट में सो रहा था तो राइट हो गया, राइट में सो रहा था तो लेफ्ट हो गया। और एक ऐसे ही होता था मूवीज में, आपने देखा होगा, आपको लगेगा और ये तो जग गया, मैं तो उसके सामने हूँ, मुझे देख लेगा, वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी, लेकिन अनिल सो रहा था, अनिल ने उसको नहीं देखा। सो अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने टर्न किया, आई वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब घबरा जाना, टेंशन में आ जाना, है ना, सरप्राइज हो जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी जल्दी वहां से भाग गया, मैं तो निकल आया, क्रॉल करते हुए, जैसे बच्चा क्रॉल करता है ना, पैरों पे चलता है, घुटनों पे चलता है, ऐसे चल चल के मैंने क्या किया, मैं तो बाहर आ गया, और अनिल चुपचाप से सो रहा था। अब आ गई आगे की स्टोरी, कि अब पैसे तो मैंने ले लिए, अब मैं क्या करूं, सिचुएशन मेरी होनी चाहिए थी हैप्पी वाली, बट मेरी सिचुएशन ये होने वाली, क्यों, क्योंकि आगे अब बहुत सारे सिनारियोस उसको साइकोलॉजिकली समझ में आने वाले हैं, अब उसका माइंड उसके साथ गेम्स करेगा, वो सोचेगा मैंने क्या किया, क्या मैंने सही किया, क्या मुझे पैसे लेके भागना चाहिए था या अनिल के घर में रहना चाहिए था,
तो काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ होगा और जो कि आपकी स्टोरी का ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट कर देगा। When I was on the road, अब कहाँ पर है? रोड पर, सड़क पर है, पैसे ले लिए, चल रहा है। I began to run, भागा। I had the notes at my waist, waist पर जो एक होता है पॉकेट उसमें उसने रख लिए, held there by string of my pajama, पजामा की स्ट्रिंग से बांध के वहां पे उसने पैसे अपने रख लिए, ठीक है, बंडल जो नोट्स का था। I slowed down to walk, पहले भाग रहा था फिर धीरे धीरे चलने लगा। 15 साल का बच्चा ही तो है, माइंड सेट सोचो, मतलब क्या 10th 11th का बच्चा होता है वैसा ही है, 9th 10th 11th के बच्चे जैसा ही है इसका माइंड। सो भाग रहा है, एंड कुडंट एंड काउंटेड द नोट्स, अब उसने नोट्स को काउंट करना शुरू किया वहां धीरे धीरे चल के, देखूं तो भाई फाइनली मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने थे, 600 rupees in 50s, तो 50-50 के नोट थे और टोटल 600 थे, 600 रुपीस थी उसके पास में, ठीक है, चलो वेरी गुड। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो बोलता है कि इतने पैसे थे कि एक या दो हफ्ते के लिए तो मैं इस तरीके से रह सकता हूँ जैसे अरब पीपल रहते हैं। अरब पीपल के लिए एक एडजेक्टिव यूज होता है ऑयल रिच अरब, ऑयल होता है ना वहां पे, तो ऑयल रिच, जो ऑयल वेल्स वाले जो रिच पीपल होते हैं ना अरब में, उनके जैसे मैं एक दो हफ्ते मस्त, मतलब बेसिकली लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ दो हफ्ते, इतना पैसा मुझे आज मिल गया है, दो हफ्ते बाद नया टारगेट पकड़ लेंगे और नया क्या कर लेंगे, फिर से नया टारगेट पकड़ लेंगे और नए लोगों को फिर से चोरी करना शुरू कर देंगे। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। सो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, अब क्या हुआ, बात हुई थी ना 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेनी है, तो गया ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाता है, बट वहां पे टिकट लेने के लिए नहीं रुका, रुकेगा कभी नहीं, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माय लाइफ, बोलते हैं मैंने कभी पहले भी नहीं खरीदी, आज भी नहीं खरीदी, तो मैं तो सीधे स्टेशन पे आ गया और सीधे स्टेशन पे आके मैंने ट्रेन का वेट किया, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन सा, स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे मैं पहुंच गया, ठीक है। चलो अब हरि सिंह कहाँ है, कहां पर है हरि सिंह इस टाइम, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ठीक है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वहां से क्या हो रहा था, ट्रेन का नाम क्या है, लखनऊ एक्सप्रेस, क्या वो वहां खड़ी है, खड़ी है बट निकलने वाली है, चलने वाली है, तो अब अनिल सिंह को क्या करना, सॉरी हरि सिंह को क्या करना चाहिए, हरि सिंह को ट्रेन में बैठ के अपना मस्त निकल जाना चाहिए, पर क्या वो बैठेगा, नहीं, यहाँ पे उसका माइंड उसके साथ गेम्स प्ले करेगा और वो वहां नहीं जाएगा ट्रेन के अंदर। अब यहां से अब उसकी देखो थिंकिंग चेंज हो जाएगी, अभी तक जो थीफ वाली थिंकिंग थी उसके, उसने जस्टिफिकेशन दिए, मैंने चोरी नहीं की है अभी तक, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, अनिल मुझे पैसे नहीं देता, वैसे भी उड़ा देगा, मैं तो ले लेता हूँ, भाग लेता हूँ, स्टील कर लेता हूँ, उसका जस्टिफिकेशन, अब उसके जस्टिफिकेशन दूसरे आएंगे क्योंकि माइंड चेंज हो चुका है। अब वो बोलता है द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड, बोलते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी, क्या कर रही थी, ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पिकअप कर रही थी, एंड आई शुड हैव ऑलरेडी sit in the train, I should have jumped, I should have catch the train, मैं बहुत आसानी से, I should have been able to jump into the train, मैं चला जा सकता था, but I hesitated, मैं रुक गया, hesitate से मतलब हो गया किसी काम को करने के लिए जब आप रुक जाते, बोलते बट मैं रुक गया, पता नहीं क्यों रुका, but मुझसे ट्रेन में नहीं चढ़ा गया, for some reason I can't explain, मुझे नहीं पता कि क्यों, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना बच्चों, हमें पता ही नहीं होता कि हम परेशान क्यों है, हमें पता ही नहीं होता कि क्या है दिल में, टेंशन से क्यों हो रही है, नेगेटिविटी से क्यों आ रही है, माइंड अजीब सा क्यों फील हो रहा है, ऐसा कब होता है हमारे साथ में, ऐसा हमें तब होता है जब हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि पॉइंट क्या है, मतलब पता है लेकिन माइंड इजीली एक्सेप्ट नहीं करता उसको, धीरे 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 और सोचते तब समझ आता है, बॉइल डाउन टू समथिंग एंड से अच्छा ये बात थी, तो धीरे धीरे माइंड आपके हार्ट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, हार्ट तो कह रहा है गलत चोरी कर ली, माइंड कह रहा है नहीं नहीं सही है चल निकल ले दूसरा, हमारा काम तो चोरी करना ही है ना, बट हार्ट बोल रहा है नहीं यार अनिल एक अच्छा पर्सन है, इसकी चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तो हार्ट और माइंड के सिंक में ऐसा होता है दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, चल एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं पहले रह गया, मेरी ट्रेन निकल ली, तो अब ये ट्रेन में बैठ ही नहीं पाया, क्या हुआ उसके आगे, When the train had gone, train तो जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted क्या हो गया? खाली, अब तो सब चले गए ना, आपने देखा होगा जब ट्रेन चली जाती है तो वहां का एरिया प्लेटफॉर्म का खाली हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को चढ़ना था वो चढ़ के निकल लिए, जिनको उतरना था वो उतर के अपना मेट्रो वेट्रो घर पकड़ के निकल लिए,
राइट तो जगह खाली तो डिजर्टेड प्लेटफॉर्म उसको बोला गया है. अब देखो यहाँ टेंस देखो कौन सा टेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है नोटिस करोगे. जो मेरे बच्चे हैं अगर आप ग्रामर मेरे साथ पढ़े हो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है टेंस का. चैट में मुझे लिख के दो क्या कॉम्बिनेशन है. कॉमेंट में भी लिखना अगर बाद में पढ़ोगे. नंबर को आप ना जो टाइनी है ना उसको पंक्चुएट करके वहां आंसर लिख सकते हो तो पता चल जाता है. आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब देखो क्या बात है, रात का समय है, ट्रेन जा चुकी है, पर्पस खत्म हो गया चोरी का. अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाया जाए. तो बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं, रात का समय है, अकेला हूँ. आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. तो इसको हमेशा से क्या लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो ट्रबलसम होते हैं. फ्रेंड्स बनाने का मतलब है टेंशन बढ़ाना, इसे तो अच्छा फ्रेंड्स मत बनाओ. बट इस रात को जिस दिन ही अकेला है इसको रियलाइज हो रहा है यार मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, कहाँ जाऊं. अनिल के घर में रह रहा था, अनिल है नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं. तो माइंड उसके साथ गेम, जाने को तो कहीं भी जा सकता है. अनिल के घर जाने से पहले कहाँ रहता था, कहीं इधर उधर ही घूम रहा होगा, तो अब भी कर सकता है. बट अब वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है, बोलता है अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. अब बोलते हैं एक तो मैं कहीं जा नहीं सकता किसी घर में, है ना, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है. अब मैं होटल में अगर रात में रुकता हूँ, मैं 15 साल का बच्चा हूँ, किसी छोटे होटल में रुक गया तो लोगों को क्या होगा, शक होगा. तो ऐसे में क्या होता है ना, कोई भी होटल का जो ओनर होता है ना वो क्या करता है, पुलिस को कॉल कर देता है कि यार ना 15 साल का छोटा सा बच्चा है, आया हुआ है और लग तो रहा है कुछ कांड करके आया है, आप लोग आ जाइए तलाशी ले लीजिए. मे बी पॉसिबल है. तो ये बोलता है कि अगर मैं किसी होटल में रुका तो भी मेरे लिए गड़बड़ है ना. क्या हो जाएगा ये, एक ये क्यूरियस बन जाएगा, लोग क्यूरियस हो जाएंगे कि मैं क्यों होटल में स्टे कर रहा हूँ, तो मैं नहीं स्टे कर सकता, तो मैं क्या करूं, अभी नहीं पता, मुझे नहीं पता. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. बस एक ही पर्सन को पूरी सिटी में जानता था, उसका नाम अनिल था और उसको मैं आज रॉब करके भाग आया हूँ. ओके क्या करूंगा. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. अब ये क्या हुआ, हिंदी का वर्ड बाजार है, ठीक है. स्टेशन से निकला, बाजार की तरफ भागा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. देखो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पैराग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये है. अब ये पता है क्या हो रहा है, यहाँ वो सोच रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. पता है ये जो मैं फ्रेजेस बोलती हूँ ना आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फ्रेजेस होते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपके माइंड में थॉट्स चल रही हैं, उसके माइंड में इस टाइम थॉट चल रही है. क्या थॉट चल रही है, गूगल करना आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, आपको समझ आएगा. उसके माइंड में इस टाइम क्या थॉट चल रही है, वो बोलता है मेरे एक छोटे से करियर में, करियर एज अ थीफ, चोरी का थीफ करियर, बोलते हैं मेरे चोरी के करियर में मैंने एक स्टडी की है लोगों के फेस की, लोगों का जो फेस है मैंने स्टडी की है कि उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनको चोरी कर ली गई है उनके घर में. ओके भाई अगर मैंने 10 घरों में चोरी की तो मेरे पास 10 घरों के क्या आ गए, रिएक्शंस पता चल गए, इसने कैसे बिहेव किया, इसने कैसे बिहेव किया, इसने कैसे बिहेव किया. तो मैंने एक स्टडी कर ली कि जनरली लोग कैसे बिहेव करते हैं. तो उसने एक पैटर्न बनाया, वो पैटर्न आपको यहाँ बताया जा रहा है. वो बोलता है आई हैव डन अ रिसर्च, ठीक है, स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. लॉस्ट देयर गुड्स मतलब जब उनकी चोरी हो जाती है तो द ग्रीडी मैन शोज फियर. जो ग्रीडी मैन है ना उसको डर लगता है. लालची आदमी का क्या काम है भाई, जो भी पैसा है यहाँ से निकाल वहां से निकाल ऐसे का, उसको इकट्ठा करके रखता है तो हमेशा डर में रहेगा कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, है ना. तो ग्रीडीनेस की तो यही क्वालिटी होगी, मतलब डिसक्वालिटी होगी बेसिकली, क्या हो गया कि वो हमेशा डर में रहेगा. रिच मैन शोज एंगर, रिच मैन को गुस्सा आता है, बोलता है किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा चुराने की, क्या हो तुम लोग, चोर हो और मैं कौन हूँ, रिच पर्सन हूँ, तुम्हारी इतनी औकात. तो एक तरीके से वो गुस्से में अपना एग्रेशन जो है दिखाता है रिएक्शन के थ्रू. पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, अब बोलते हैं जो पुअर मैन है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे हम तो गरीब है, हमारा तो भगवान, हम तो आए ही धरती पे है कष्ट झेलने के लिए, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद है, हमारे से तो ये होता ही है, हम तो हैं ही पहले से पुअर, पहले भी थे और चला गया, क्या ही हुआ. तो एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होती है, वो मान लेते हैं इजिली, चोरी हो गई तो हो गई, ठीक है. तो ग्रीडी मैन को क्या आता है, ग्रीडी मैन को डर लगता है, रिच मैन को गुस्सा आता है, पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है जो हुआ हो गया, क्या ही करेगा वो बेचारा. अनिल क्या करेगा, वो बोलता है अनिल इन सबसे अलग है, अनिल को ना गुस्सा आएगा, अनिल को ना डर लगेगा, अनिल को ना वो एक्सेप्ट करेगा इस बात को, वो बस सैड हो जाएगा, सैड
दुखी अंदर से। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था मेरे अंदर वो मैंने ब्रेक कर दिया। मेरे ऊपर उसने ट्रस्ट किया था, मुझे घर की चाबी दे के जाता था, मेरे से ग्रोसरी मंगाता था, हिसाब नहीं मांगता था, 1-2 रुपया मैं इधर उधर कर भी लेता था, लेकिन मैंने जो चोरी कर ली, अब उसका जो ट्रस्ट था ना वो ब्रेक हो गया, इसलिए वो सैड हो जाएगा। उन तीनों से कुछ नहीं होगा, ऐसे तीनों होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनिल ना थोड़ा अलग है, तो यहाँ वो सैड हो जाएगा। सो बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड स्लो ओनली वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। सैड हो जाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, नो, ये इंपॉर्टेंट है, वहां से लेके यहाँ तक का पूरा पैरा था ये। ओके, इसीलिए सैड नहीं होगा कि उसका पैसा चोरी हो गया, इसीलिए सैड होगा क्योंकि उसका ट्रस्ट मैंने लूज कर दिया, जो ट्रस्ट उसने मुझ पे बनाए रखा था मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, वो सैड फील करेगा। अब यहाँ ट्रिगर करेगा इसका माइंड, ये बोलेगा क्या करूं, वापस चला जाऊं क्या, वापस जाऊं क्या, नहीं जाऊं। फिर उसको एक और बात याद आती है, यार अनिल तो मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा था, मैं तो भूल ही गया, उसने तो मुझे नंबर भी सिखाने थे, सेंटेंसेस भी सिखाने थे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना था, फ्री का ट्यूशन मिल रहा था, और पैसे लूटने के चक्कर में, चोरी करने के चक्कर में मैंने वो भी मिस कर दिया। तो आगे वो क्या बोलता है, ओ आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैदान में प्लेन एरिया में जाता है, बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, ठंडी नाइट थी, नवंबर का महीना था, ड्रिजल हो रही थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। ये सारे क्या है पता है, ये सब आपको एटमोसफेयर बना रहे हैं आपके लिए, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं सीन को कि वो क्या है, मैदान में बैठा हुआ है बेंच पे, नवंबर का टाइम है, ठंड लग रही है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए, एंड टू माई डिस्कम्फर्ट और क्या ऐड हो गया, ड्रिजल होने लगी, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, फिर क्या हुआ, जोर जोर से बारिश भी आने लगी। क्या होगा, कपड़े भीग जाएंगे, कपड़ों के साथ जो पैसे हैं वो भी भीग जाएंगे, माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, चिपक जाता है ना, जब बारिश होती है तो क्या होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, सब स्किन से चिपक जाते हैं, एंड अ कोल्ड विंड ब्लू, और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी, द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो जो रेन है, बारिश है, हवा है, सब एकदम थपेड़े से पड़ रहे हैं, हवा के, बारिश हो रही है, कहाँ जाए, ऊपर शेड तो है नहीं, मैं तो मैदान में बैठा हुआ था, क्या करूं। आई वेंट बैक टू द बाजार, तो मैं जल्दी से बाजार गया, किसी शॉप के नीचे जाके खड़ा हो गया, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब कि 12 के करीब बज रहे होंगे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को फील किया, फील मतलब वो भूल गया था, मेरे पास नोट्स भी है, बंडल है पूरा पैसों का, बोलता है शिट ये तो नोट्स है, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, तो डैम्प का क्या मतलब हो गया, गीले हो गए पैसों का, जो नहीं एकदम वैसा बन जाता है, डैम्प सा बन जाता है, तो ऐसा इकट्ठे हो गए सारे नोट्स, चिपक गए एक दूसरे में, पैसे सारे गीले हो चुके थे, ठीक है। तो 600 रुपीज उसके पास में थे, सारे गीले हो गए। ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है और टेंशन में है, सोच नहीं पा रहा नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, मस्ती मस्ती में पैसे तो चोरी कर लिए, अब क्या करें। बोलता है अनिल मनी, मेरे पास पैसे हैं अनिल के, इन द मॉर्निंग ही वुड हैव प्रॉब्ली गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। सुबह उठ के अनिल पता है क्या करता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है देखो ये, है ना, वुड हैव लिख रहा होगा इसमें, वुड हैव, वुड प्रॉब्ली हैव मतलब क्या हो गया, जो आपका मैंने आपको सिखा रखा है थर्ड कंडीशनल, वुड हैव, वहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो बोलता है मॉर्निंग में पता क्या होता, सिनेमा देखने के लिए अनिल उठता सुबह, बोलता है लो 2-3 रुपए मैंने ना कल पैसे कमाए, तुम भी जाओ ऐशो, ऐसा वो करता। लेकिन ठीक है, नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास उसके पूरे 600 रुपीज हैं, ओके, चोरी करके मैंने सारे पैसे खुद ले लिए। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार एंड टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। ये एक ट्रिगर्ड लाइन होती है उसके लिए, ट्रिगर्ड लाइन होती है, ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में इस लाइन के बाद। बोलता है ना मुझे उसके लिए खाना बनाना है, ना बाजार जाना है शॉपिंग करनी है उसके लिए, और ना लिखना पढ़ना सीखने की जरूरत है एनी मोर, नथिंग। व्हाट रियली, मतलब क्या मैं अब कुछ भी नहीं सीखूंगा, और जो एजुकेटेड पर्सन बनने की मैंने बात की थी, सोचा था, उसका क्या, वो तो सब गया, क्योंकि अब थोड़ी मुझे कोई फ्री में सिखाएगा, पढ़ाएगा, लिखना सिखाएगा, नाम लिखना, सेंटेंसेस लिखना, नंबर ऐड करना। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने की एक्साइटमेंट में ये तो मैं भूल ही गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज,
आज मैंने चोरी करके 600 रुपए कमाए हैं, कल को मैं 500 कमा लूंगा, ठीक है 1000 कमा लूंगा, लेकिन एक बार अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन गया, सेंटेंसेस लिखना सीख, सेंटेंसेस लिखने का यहाँ मतलब है पढ़ा लिखा हो जाना, ओके तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जितने कमाए हैं इससे तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट. It was a simple method to steal and sometimes just as simple to be caught. तो बोलता है कि जो मैं चोरी करती हूँ, ये देखो important line है बच्चों. बोलता है ये जो मैं चोरी करता हूँ ना, ये तो क्या है? It just simple thing. चोरी तो करनी है, वहां से उठाया लिया और भाग लिए. और कभी कभी तो पकड़ में भी चले जाते हैं, मतलब कोई कोई आपको जो पुलिस है वो पकड़ लेती है, तो कभी कभी तो पकड़ना भी बड़ा ईजी हो जाता है. चोरी की पकड़ में आगे जेल में चले गए, यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी लाइफ जीने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना है. बट टू बी रियली बिग मैन, अगर मुझे बिग मैन बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनना है, दिस इज समथिंग एल्स. ये बनने के लिए आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलता है कि कुछ भी सही, भले ही कुछ और ना मिले, लेकिन सिर्फ इस बात से कि वो मुझे पढ़ना सिखा रहा है, लिखना सिखा रहा है, आई थिंक मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए. क्योंकि चोरी से तो क्या होगा, करूंगा पकड़ा जाऊंगा, फिर करूंगा फिर पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अगर सच में बड़ा आदमी बनना है, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और आपको कौन पढ़ाएगा, अनिल पढ़ाएगा. क्या करूं, अनिल के पास वापस जाने में ही भलाई है. ठीक है, आइए समझ में, चलो आगे बढ़ते. फिर क्या हुआ जी, क्या हो जाता है, ऑब्वियसली जाएगा. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. तो फाइनली बड़ा नर्वस फील कर रहा है, लेकिन क्या करता है, वापस चला जाता है रूम पर, उसके हाउस घर में चला जाता है. फॉर दिस मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. सो फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील. बोलता है कि मैं बड़ी ही टेंशन में पहली बार तो कमरे में घुसा और मैं ना बहुत घबरा रहा था. क्यों? बोलता है यू नो चोरी करना तो बड़ा ईजी होता है, लेकिन अनडिटेक्टेड बिना पकड़े जाए चोरी किए हुए सामान को वापस रखना, इट इज मच इजियर टू स्टील समटाइम्स देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. पकड़ मतलब कोई हमें पकड़े ना, हम वापस रख दें पैसा. तो क्या होता है, कभी कभी चोरी करके भाग गया तो किसी को नहीं पता, वापस आए तो सबको पता चल गया कि यही चोरी करके भागा. तो ऐसे डर है कि कहीं अब अनिल मेरे ऊपर मतलब मुझे परेशान ना कर दे, या मैं पकड़ में ना जाऊं, मुझे जेल में ना डाल दे, कुछ भी हो सकता है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, कमरे का डोर मैंने खोला, स्टूड इन द डोर वे, खड़ा रहा इन क्लाउडेड मूनलाइट. मूनलाइट है क्लाउड में क्योंकि बारिश हो रही थी. अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल तो सो रहा है. आई क्रैक टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के पास गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मेरे हाथ में जो पैसे थे वो मैंने लिए. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जब मैं रख रहा था तो मैंने देखा कि उसकी जो सांसें हैं वो मेरे हाथ पे आ रही थी. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, चुपचाप खड़ा रहा मैं थोड़ी देर के लिए कि मतलब रुक जाता हूँ, इसको नॉर्मल हो जाने तो फिर पैसे अंदर खिसका दूंगा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का किनारा, एज मतलब किनारा मिला, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर नोट्स रख दिए, जहां रखे थे वहीं वापस से नोट्स रख दिए. एक प्रॉब्लम है, जो पहले के नोट्स थे वो ड्राई थे, बाद के जो नोट्स हैं वो वेट हैं, गीले हैं, डैम्प बन चुका है उनका. ठीक है, तो चेंजेस तो हैं. अब ये छोटा था, इसको इतनी अकल तो थी नहीं कि ड्राई करे या क्या करे, जो भी था बेसिकली सिचुएशन में आपको खुद नहीं पता होता कि कैसे रिएक्ट करना है, इसको भी नहीं पता था. बट इसने पैसे वहां रख दिए, 600 रुपए वहां रख दिए. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, वो उठता है सुबह लेट उठता है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक तो कांड ही कर रहा था, पैसे लो रखो ये करो वो करो, है ना, 1 बज गया होगा इंश्योरेंस को रखते रखते. 12 तो तब बज रहा था जब क्लॉक टावर पे था, आया है रखा है, 1 बज गया होगा उसको सोते सोते. तो लेट मॉर्निंग उठता है. अनिल हैज ऑलरेडी मेड द टी. जब मैं उठा तो मैंने देखा अनिल ने सुबह की चाय बना दी है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वो पैसे ऐसे देता है मुझे. बोलता है There was a 50 rupee note between his fingers. उसके हाथ में 50 रुपए का, 100-100 के, 600 रुपए थे ना, 50-50 के नोट थे. तो बोलता है ये लो तुम्हारे लिए. My heart sank, मेरा जो हार्ट है वो सैंक हो गया, मतलब डूब गया बेसिकली. डरने लगा जोर जोर से. आई थॉट इट हैड बीन डिस्कवर्ड. तो उसको लगा अनिल पता क्या करने वाला है, मुझे बोलेगा ये नोट गीला कैसे है, तुमने कुछ किया,
कैसे हुआ ये 50 करोड़ गीला? तो उसको लगा वो ऐसा कुछ बोलने वाला है, लेकिन अनिल ऐसा नहीं बोलता। अनिल क्या कहता है, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसा कमाया, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज पैसे दिया करूंगा, 2 रुपए 3 रुपए जो भी हमारा डिसाइड हो जाएगा वो। माय स्पिरिट रोज, मैं एकदम से खड़ा हुआ, अंदर से आवाज आने लगी, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम लास्ट नाइट्स रेन, रात को बारिश थी ना तो वो गीला था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कौन कहता है, अनिल। अब अनिल ने उसको दो प्रॉमिस किए हैं, एक तो मैं तुम्हें रोज रेगुलर पैसे दूंगा, दूसरा आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। अब यहां से आपको एक माइंड सेट अनिल का सोचना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसको पता है कि रात को क्या हुआ होगा, मतलब सुबह उठ के तब स्मार्ट तो है ना, अंदाजा लगा लेगा कि ये पैसे कोई तो लेके गया है बाहर, लेकिन उसके माइंड में कुछ आया, चेंजेस हुए ब्रेन में और वो आके पैसे वापस रख गया। तो जैसे कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, इसी तरीके से हरी सिंह पैसे लेके गया तो चोर था, लेकिन वापस आके जब रख गया तो उसको चोरी करना नहीं कहेंगे। तो अनिल अपने माइंड में क्या करता है, एक माइंड सेट बना लेता है कि ठीक है जो हुआ होगा सो हुआ होगा, वापस आ गया इसका मतलब ही वॉन्ट्स टू विद मी, तो मुझे भी अब इसको बहुत ही अच्छे से टैकल, प्यार से टैकल करना होगा। तो दो काम करते हैं, एक तो इसको पे करेंगे रेगुलरली और क्या करेंगे, इसको राइटिंग करना और अच्छे से सिखाएंगे। He knew, ये देखो लाइन बोलता है, ओ मतलब इसको पता था, जैसे उसने पैसे दिए ना गीला था नोट, कि मैंने क्या है चोरी करी है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके लिप्स मतलब ना तो उसने कुछ बोला, ना उसने मुझे कोई ऐसे लुक्स दिए कि हाँ मुझे पता है तुम चोरी करके गए थे, कुछ नहीं, नॉर्मल, सब कुछ न्यूट्रल था। एंड इसीलिए हमने अनिल को इजी गोइंग बोला था स्टार्टिंग में, Easy going, जो हुआ सो हुआ वाला माइंडसेट था इसका, ठीक है, पता चल गया आपको। I smiled at Anil in my most appealing way, फिर से वही शुरुआत वाली स्माइल जैसे पहले करता था, E smile कर देता है क्योंकि इसको पता था कि अब तो क्या ही करना, ठीक है, फिर से फ्लैटरी करने का टाइम आ गया क्योंकि अब अनिल के पास सच में रहना है। अब आप मुझे आंसर दो, अनिल के पास सच में क्यों रहना है, आंसर आपका मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, ओके। पहले इसको अनिल के पास रहना था, उसका पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन बन गया भाई आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले अनिल के पास क्यों रहना था और अब अनिल के पास क्यों रहना है, दोनों में फर्क है, पर्पस चेंज हो गया लाइफ का, बताइए क्यों। ना आए ना ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम का तो आप मेरा नाम बदल दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, तो बोलते कि इस बार की जो स्माइल थी ना वो ऐसे ही आ गई, मतलब हमेशा तो मैं ना जानबूझ के स्माइल करता था, अनिल मुझे देखेगा हंसेगा आगे की बात शुरू होगी, इस बार तो ऐसी स्माइल आ गई क्योंकि ये नेचुरल स्माइल थी, मैं खुश था कि मैं अनिल के पास था और जो रीजन था अनिल के पास इस बार मेरे रुकने का वो मुझे पूरा करना था, मुझे लिखना पढ़ना सीखना था। इसके लिए जो कीवर्ड्स है वो आप चैप्टर में से ले सकते हैं, है ना, तो पीछे जाओ, बैक जाओ, वीडियो देखो फिर से और वहां क्या लाइनें लिखी थी आप उस तरीके से लिख सकते हैं कि अनिल उसको क्या सिखा रहा था, नंबर ऐड करना सिखा रहा था, नाम लिखना सिखा रहा था, फुल सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था, एजुकेटेड बना देगा उसको बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरी है उसका द एंड हो जाता है, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैसेज जो इस चैप्टर से हमको मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो एक ना चैप्टर से जो मैसेजेस मिलते हैं वो आप खुद बनाना सीखिए, क्या क्या मैसेजेस आपको मिले, इट्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हम क्या करें, एजुकेटेड बने। जैसे अनिल ने सीखा, हरी सिंह ने सीखा, हरी सिंह ने सीखा कि सिंपल है थीफ करना, चोरी करो पकड़े जाओ, ये तो नॉर्मल टास्क है, बट रियल मैन बनने के लिए एजुकेटेड बनना पड़ेगा। एंड वंस यू आर एजुकेटेड यू विल बी अ रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड वंस यू बिकम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन देयर इज नो लिमिट ऑफ योर अचीवमेंट्स। इतना कमाओगे कि ये चोरी वोरी तो सब बेकार की बातें हैं। तो मेन फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, ये किसका अच्छा हो गया, इट इज इजी टू जज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो एक मैसेज है, इट इज इजी टू जज समवन बट इट टेक्स एफर्ट्स टू बिल्ड समवन्स कैरेक्टर एंड प्रोवाइड देम करेक्ट डायरेक्शन। किसके लिए है ये लाइन, अनिल के लिए। देखो अनिल ने चोर को पकड़ लिया, उसको पता था ये चोरी कर रहा है, तो क्या था, किसी को भी जज करना बहुत आसान है, ये चोर है, इट वॉज इजी, बट इट टेक्स टू बिल्ड समबडीज कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए ये है। हम किसी को भी जज बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका नेचर ये बहुत नेचर से बड़ा नेगेटिव है, ये पता नहीं कैसे बातें करता है, ये तो रिस्पेक्ट भी नहीं करता, ये तो बड़ा झगड़ालू है ना, ये तो हमेशा लड़ता रहता है,
जजिंग इज वेरी इजी, आपने स्टेटमेंट बोला काम हो गया, बट क्या हो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसका कैरेक्टर बिल्ड करने की। चलो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाए सामने वाले के लिए कि वो आपसे सीखे, आपको देख के सीखे और अपना नेचर चेंज कर ले और एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करके दिखाए। हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये चीज पॉसिबल है। कैसे होगी? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अनिल को अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा बनाना पड़ा, इजी गोइंग, सिंपल, काइंड, तब जाके हरि सिंह इतनी चीजें उससे सीखा, है ना। तो ये इजी है, इजी नहीं है, टफ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जजिंग इज इजी, टू बिल्ड समवन्स कैरेक्टर इज टफ। द स्टोरी फोकसेस ऑन ह्यूमन इमोशंस एंड आइडियाज। विद आवर काइंड नेचर, जेन्युइन हेल्प, वी कैन इजिली मोल्ड अ पर्सन, जैसे कि अनिल ने हरि सिंह के साथ किया, एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन हिम। क्या हरि सिंह के अंदर अब गुड हैबिट्स हैं या नहीं? यस। किसकी वजह से? आंसर बताओ, किसकी वजह से? अनिल की वजह से। और जो मैं आपको बता रही थी, एजुकेशन कैन बी यूजफुल टूल इन ग्रूमिंग अ पर्सन एंड इट कैन ड्रास्टिकली चेंज अ पर्सन थिंकिंग, हिज एक्शंस एंड हिज वेज ऑफ कंडक्ट। तो एजुकेशन एक हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि एक बार आप पैसा कमाना शुरू करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं हो। तो छोटे छोटे टास्क, चोरी और इस सब पे ज्यादा फोकस करने की बजाय, या यहाँ से निकाल लिया वहां से निकाल लिया करने की बजाय, एजुकेटेड बनिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एजुकेशन और एक इमोशन, दो है, एक इमोशंस और एक एजुकेशन, है ना। और एक ऊपर से ऑफकोर्स किसी को जज करना और उसका कैरेक्टर बिल्ड करना एक डिफरेंट चीज है। तो गाइडेंस दूसरे को देनी है, गाइड करना है, अगर आप कर सकते हैं, जज मत करिए, गाइड करिए। इमोशनली सामने वाले को कोशिश करिए कि जितना अच्छा सा उसके साथ कर सके करें, क्योंकि आप उसके लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, आपको देख रहा है, और आपसे कुछ भी अच्छा अगर उसको मिला तो वो भी आगे किसी को वही पास ऑन करेगा। सो ये चेन है गुडनेस की जो चलती जाएगी। तीसरा, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज मेक श्योर एजुकेशन इज अबव ऑल द ट्रेड्स एक्शंस वी डू इन आवर लाइफ। क्लियर। So, ये था आपका आज का चैप्टर। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बनते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से समझ आ रहा है, क्योंकि आता तो है। आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं सारे इन क्वेश्चन को आंसर बना के, फ्री फ्रेश कॉन्टेंट बना के आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बाकी आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन, हाफिली अगर हो गए तो हाफिली में कौन सा आया था, प्री बोर्ड में हो गए हैं तो उसमें कौन सा आया था, यूनिट टेस्ट अगर एग्जाम क्लास में मैम ले रही है स्कूल में, तो वहां इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं देखूंगी उनको और अकॉर्डिंगली आपको आंसर बना के दूंगी। ठीक है, क्या पता बोर्ड में उसमें से कुछ फंसी जाए। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।